हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जिसकी चर्चा कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा हो रही है, यानी कि ब्लैक फंगस, जिसका मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इसी कारण कुछ राज्य सरकारों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। हालांकि ये बीमारी जो है वो एक रेयर बीमारी की कैटेगरी में आती है, लेकिन जिस तरह से कोविड-19 के मरीजों में इसके लक्षण सामने आ रहे हैं, इसने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जो बहुत ही ख़तरनाक है, जानलेवा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ये बीमारी है क्या, एक्चुअल में ये कैसे फैलती है, इसके कारण क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और बॉडी के किन किन हिस्सों पे या भागों पे ये सबसे ज़्यादा असर डालती है, और उसी आधार पे इस बीमारी को हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, उसके अलावा इससे बचने के क्या क्या उपाय हमारे पास हो सकते हैं और ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। ब्लैक फंगस को म्यूक्रोमाइकोसिस या ज़ाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसके जो मोल्ड्स हैं ये एनवायरमेंट में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, और अगर ये म्यूक्रोमाइकोसिटीज या ये मोल्ड्स किसी ऐसे मरीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या ये सारे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हों, तो इस बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि वो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्योंकि ये बीमारी होने के लिए फंगस के साथ साथ अगर ये रिस्क फैक्टर्स होंगे तभी ये बीमारी हो सकती है। उन रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि ब्लड शुगर का अनकंट्रोल्ड होना, बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर के लेवल हो जाना। दूसरा, ऐसे मरीज जिनको स्टेरॉयड थेरेपी दी गई हो, जैसे आजकल कोरोना के मरीजों को स्टेरॉयड थेरेपी दी जा रही है, तो स्टेरॉयड्स के कारण से एक तो ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं, दूसरा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो भी इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, या ऐसे मरीज जिनका इलाज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के ज़रिए हो रहा हो, जैसे कुछ कैंसर के मरीज़ होते हैं, या ऐसे मरीज़ जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो। तो जैसे ये फंगस ऐसे मरीजों के बॉडी के कांटेक्ट में आता है, और जिस पार्ट के भी कांटेक्ट में आता है उसी पार्ट पे इसके सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ये फंगस वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जहाँ पे इस बीमारी का इफ़ेक्ट होता है या जहाँ पे ये फंगस ग्रो करना शुरू करता है, उसी के आधार पे हम इसको पांच कैटेगरीज में या पांच टाइप्स में इस बीमारी को बांट सकते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं राइनोसेरेब्रल म्यूक्रोमाइकोसिस। तो इसमें जो है नोज़, साइनस, आई, ईयर, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और यही सबसे ख़तरनाक टाइप है इस बीमारी का। और जनरली जो आज के दिनों में केसेस मिल रहे हैं, ख़ासतौर से कोविड के मरीजों में जो केसेस मिल रहे हैं, वो इसी टाइप के केसेस मिल रहे हैं। तो हम इसी बीमारी के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पल्मोनरी म्यूक्रोमाइकोसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे मरीज सांस के साथ अगर वो इनहेल कर लेता है और ये जो फंगस है वो लंग्स में चला जाए, तो फिर लंग्स के फंक्शंस को इफ़ेक्ट करता है मेनली। तीसरी जो कैटेगरी होती है उसको हम क्यूटेनियस म्यूक्रोमाइकोसिस कहते हैं। क्यूटेनियस मीन्स स्किन। तो अगर किसी को बर्न हो जाए या कोई इंजरी हो, कहीं पर स्किन कटी हो और उस एरिया पे ये फंगस आके जमा हो जाए, तो फिर वहाँ पे स्किन का म्यूक्रोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज़ हो जाती है। जो चौथी कैटेगरी है वो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूक्रोमाइकोसिस, यानी कि अगर कोई इस फंगस को निगल जाए तो उसको एब्डोमिनल सिम्टम्स आने लगते हैं, पेन एब्डोमिन हो सकता है या दूसरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। और जो पाँचवीं कैटेगरी है उसको हम डिसेमिनेटेड कैटेगरी कहते हैं, यानी कि अगर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये इन्फेक्शन या फंगस फैल जाए और फिर वो दूसरे ऑर्गन्स को, लीवर को, ब्रेन को या किसी दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर ले, तो फिर इसको हम डिसेमिनेटेड कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे राइनो सेरेब्रल म्यूक्रोमाइकोसिस या फंगल डिजीज़ के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इसी बीमारी का या इसी कैटेगरी का मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई मरीज़ जिसका इम्यून सिस्टम कम हो इस फंगस के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये फंगस सबसे पहले उसके नाक में जाके
अपने आप को जगह बना लेता है या जो न्यूजल मेकोसा है वहाँ पे चिपक जाता है, और क्योंकि उसके लिए वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है ये वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है। और जैसे ये ग्रो करना शुरू करता है वहाँ पे, तो नेज़ल कंजेशन शुरू होता है, नेज़ल ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, मरीज़ को थिक नेज़ल डिस्चार्ज आना शुरू हो सकता है, यहाँ तक कि बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है, या कुछ केसेस में मरीज़ को सूंघने की क्षमता भी ख़त्म हो सकती है। और धीरे धीरे ये जो है ना, ये फंगस आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जो साइनसेस हैं हमारे, चार साइनस होते हैं, उन चारों साइनसेस में भी इसका इफ़ेक्ट आने लगता है। उस कंडीशन में वहाँ पे जाके ये सूजन करता है, इन्फ्लामेशन करता है, उसको हम पैनसाइनोसाइटिस कहते हैं। तो जो भी साइनस इन्वॉल्व होता है, या बॉडी का मान लो एक तरफ का हिस्सा जनरली इन्वॉल्व होता है, इधर या इधर का, तो फेस पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है और बहुत ही सीवियर इंटेंस पेन होता है। और जो पेन है वो कई बार बिना स्वेलिंग के शुरू होता है, स्वेलिंग बाद में आती है। अनबियरेबल पेन होता है मरीज़ को, और फिर आँख में लाली शुरू हो जाती है, आँख के अंदर थिक डिस्चार्ज आने शुरू हो जाता है जो ब्लैक कलर का होता है, यहाँ तक कि जो आँख के आसपास के मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं। तो एक कंडीशन होती है ड्रॉपिंग ऑफ लिड, जो आई लिड है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, ऐसे आँख बंद हो जाती है, जिसको हम टॉसिस कहते हैं। फिर ये फंगस जब आगे फर्दर बढ़ता है, तो जो हार्ड पैलेट है, अंदर का जो हार्ड पैलेट है मुँह के अंदर, वहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो जाता है। नाक का अंदर जो टर्बिनेट है उसमें नेक्रोसिस शुरू हो जाता है, और जब आप एग्ज़ामिन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक कलर का फंगस या नेक्रोटिक लीजन्स दिखते हैं टर्बिनेट में या आपके हार्ड पैलेट में। और जैसे जैसे ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है, आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, तो विज़न डिस्टर्बेंस हो सकता है, यहाँ तक कि विज़न लॉस भी हो सकता है, यानी कि आँख जा सकती है, आँख ख़राब हो सकती है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये फीवर या बिना फीवर दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, या तो हल्का फीवर होगा या तेज़ बुखार भी हो सकता है इन सारे लक्षणों के साथ। अब जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है, तो ये ऑर्बिट को इसने इन्वॉल्व कर लिया, और फिर इसका रास्ता ब्रेन की तरफ खुल जाता है। और जैसे ये बीमारी ब्रेन की तरफ जाती है, तो फिर ये बीमारी लाइलाज कैटेगरी में आ जाती है, और यहाँ पर मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मरीज़ों की जिनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए इसको राइनो सेरेब्रल म्यूक्रोमाइकोसिस कहते हैं। राइनो मीन्स नोज एंड सेरेब्रल मीन्स ब्रेन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, हम इसको पहचाने कैसे हो। और इस बीमारी का गोल्डन रूल है, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट, तो मोर्टिलिटी नहीं होगी। जितना डिले इसमें डायग्नोसिस होगा बीमारी में, उतने चांसेस हैं मोर्टिलिटी होने के, यानी कि मौत के। डायग्नोसिस का बड़ा सिंपल तरीका है, ENT चेकअप करना चाहिए। ENT चेकअप में हम एक सिंपली डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं, जिसमें आपको नाक के अंदर थिक काले रंग के लीजन्स दिखेंगे, थिक डिस्चार्ज दिखेगा, वहाँ पे पस दिखेगा, नेक्रोटिक लीजन्स मिलेंगे नाक के अंदर, टर्बिनेट पे मिलेंगे वो नेक्रोटिक लीजन्स। उसके अलावा हम कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट करके भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं, या बीमारी के एक्सटेंशन को पता लगा सकते हैं, जैसे MRI या CT अगर हम करके देखें, जैसे फेस का CT कर लें या MRI कर लें, उसी के साथ ऑर्बिट का भी किया जा सकता है, जो साइनसेज हैं उनका PNS CT या MR किया जा सकता है, या MRI ब्रेन और CT करके ये देखा जा सकता है कि ये बीमारी कितनी फैल गई है, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया जाता है कि अभी हमें ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत है, कौन से टाइप का हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट में दोस्तों, जैसे मैंने बताया, अर्ली डायग्नोसिस इज़ अ गोल्डन की, जितना जल्दी डायग्नोस कर लेंगे उतनी जल्दी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, जो अंडरलाइन कॉजेस थे, जैसे अगर किसी का डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना है, तो वो अंडरलाइन कॉजेस को हम जितना कम कर सके उतनी जल्दी इस बीमारी से रिकवरी हो सकती है। तीसरा, जितना जल्दी हो सके हम एंटी फंगल जो ड्रग्स हैं उनका यूज़ करें मरीज़ के ऊपर, सो दैट ये बीमारी आगे ना बढ़े। जो चौथा है वो सर्जिकल इंटरवेंशन है। अगर ये बीमारी सिर्फ साइनस तक लिमिटेड है, तो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम FES कहते हैं, FESS, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। उसके ज़रिए उस एरिया को क्लीन कर दिया जाता है और बीमारी यहाँ पे ठीक हो सकती है, साथ में एंटी फंगल दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन अगर ये इसका एक्सटेंशन ज़्यादा है, तो फिर हमें डिब्राइडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपका ऑर्बिट का डिब्राइडमेंट हो सकता है, मैगजिला का डिब्राइडमेंट होता है, आई या आई बॉल का डिब्राइडमेंट हो सकता है, और कई बार इस ऑर्गन को या पार्ट को काट के निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई बार ऐसे मरीज़ों में आई बॉल को निकालना पड़ जाता है ब्रेन को बचाने के लिए, कि आगे फर्दर इसका इन्फेक्शन का एक्सटेंशन ना हो ब्रेन की तरफ, तो कम से कम जान बचाई जा सकती है।
लेकिन अगर ये ब्रेन की तरफ एक्सटेंड हो जाता है तो ब्रेन के उतने एरिया को भी काट के निकालना पड़ता है। फिर वी नेवर नो कि कौन से एरिया पे जाके बॉडी के इफेक्ट पड़ेगा जो एरिया बाहर निकला है, और यहाँ से फिर जान जाने का खतरा और ज़्यादा अधिक हो जाता है। एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि जितने भी लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होके आ रहे हैं, वो आते ही पहले दूसरे दिन में एक अपना ENT और आई का प्रिवेंटिव हेल्थ चेक ज़रूर करा लें, ये देखने के लिए कि कहीं पे कोई फंगल ग्रोथ तो नहीं हो रही है। ख़ास तौर से वो मरीज़ जो अस्पताल में भर्ती थे ICU में, या जिनको ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी। दूसरा, ये ज़रूरी करें कि नाक को ड्राई ना होने दें, बार बार नाक को क्लीन करें, ड्रेन आउट करते रहें, वहाँ पे क्रस्ट को ना जमने दें। अगर ये हम सब सारे काम करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आपके मन में ब्लैक फंगस डिजीज़ को लेके थे या म्यूक्रोमाइकोसिस को लेके थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।